क्या खास बात है जो आपको चैलेंजिंग लगा? बहुत काफी जाते हैं पहले। मैं जैसे कह रहा था कि हर अच्छे आदमी में अच्छाई है, ये हम तब समझ पाते हैं कि जिस वक्त वो किसी की बुराई कैसे निकालता है, तो डिस्कार्ड कर देने से या उसको रॉन्ग समझ के उसे दूर हो जाए या उसका साथ ना दें या उसे गलत समझ के उसे हमेशा के लिए दूर कर दें, ये जैसे थॉट होते हैं, इस थॉट से निकल के वो थॉट है कि कैसे पूरा घर परिवार संभाला जा सकता है, कैसे साथ दिया जा सकता है। और ऐसा व्यक्ति है घर में कि वो रंगीला राजा टाइप है, तो उसे वो कैसे समझाया जा सकता है कि उस पर जिम्मेदारी है घर की, कि वो कैसे उसे संभाले। और वो हीरो होगा तो वो हीरो उसमें से बाहर निकलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पे यहाँ पे इमोशंस कभी ख़त्म नहीं होते, वो तो निकल ही आते हैं बाहर हर उसमें। तो उसमें भाइयों का प्रेम नज़र आता है, जो पारिवारिक प्रेम नज़र आता है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, और हंसी मजाक के साथ निकलता है। तो मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ सिनेमा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स अ सिनेमा एंड देन यू ऑल विल हैव अ ग्रेट टाइम। मुझे मैंने आंखें जिस वक्त फिल्म देखी थी तो मैं कहा था कि मुझे ये ना ये शोले नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है बहुत मतलब हिट होगी। मैं साफ साफ कहा कि ये शोले नहीं है, आप जैसे आपने सोचा है। ये वैसे ही मैं जिस वक्त फिल्म देख के बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही हिट जैसे सिनेमा होते हैं। अब वो कैसे, कितना, कहाँ, कैसे निकलेगा कमाल, वो तो समय कह सकता है, परंतु मुझे ऐसा लगा। क्योंकि ये ख़ास तौर पे जो लेडीज़ हैं, जो जैसे हम कहते हैं कि पुरुष घर चलाता है, स्त्रियां जो हैं वो दुनिया चलाती हैं, तो वो इसीलिए कि वो सहन करती हैं, प्रेम करती हैं, पूरा घर परिवार साथ में लेके संभाल के चलती हैं, तो उनमें वो क्षमता होती है कि नेगेटिव को धिक्कार दें या बर्बाद कर दें, ऐसी नहीं होती, वो उसे निकाल के कैसे उसको अच्छा कर देती हैं, वो थॉट है इसमें। तो मुझे बहुत टच किया। तो ये किसी भी हद में निकल सकती है, कैन बी आई थिंक वेरी बिग हिट। बहुत शुभेच्छा प्रदान करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि बहुत समय ऐसा हुआ कि मुझे लगता है कि 9 वर्ष हो गए मुझे रोल नहीं मिल रहे थे जो जिस तरह के मैंने उम्मीद की थी। जैसे हैप्पी एंडिंग हो तो उसमें मैंने कॉमेडी किया था, किल दिन में मैंने विलन प्ले कर दिया था, परंतु एज ए हीरो मैं आऊँ ये बहुत समय हो गया था। मैंने मेरी फिल्म में ट्राई किया, आ गया हीरो में, परंतु समहाउ वो क्योंकि नोटबंदी के टाइम पे रिलीज़ हुई तो वो उस हिसाब से नहीं चली। फ्राइडे से ये शुरू हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि ये सक्सेस का दौर जो है ये पुनः मेरे जीवन में आएगा, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। सर जानना चाहूँगा कैसा सफर रहा आपका गोविंदा जी एंटरटेनर के साथ काम करने का, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को? गोविंदा जी एंटरटेनर नंबर वन है, ये बात तो पूरी इंडस्ट्री कहती है। मैं तो मुझे आई एम लकी पर्सन एज एन एक्टर कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत मज़ा आया सेट पर, बड़े जितने वो एंटरटेनिंग ऑन द स्क्रीन हैं उतने ही ऑफ द स्क्रीन हैं। मेरे उनके साथ सीन करते हुए बड़े अच्छे सीन्स मेरे उनके साथ निकले हैं, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो इतने सीनियर हैं और मैं जूनियर हूँ। उन्होंने कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि वो इतने बड़े एक्टर हैं। तो किसका किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में और क्या कहने के किरदार को लेकर? इस फिल्म में मेरा ही एक करेक्टर है जो सबसे ज़्यादा सीरियस है। आई एम प्लेइंग आईएएस ऑफिसर, जिसका गोविंदा जी के करेक्टर के साथ एक रिफ्ट हो जाता है, और वो क्यों होता है ये आपको फिल्म देखने के बाद पता लगेगा। अगर मैं वो यहाँ ओपन कर दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो डेब्यू मूवी आपकी है सर, पहले भी आपने? नहीं 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 भैया, ये मेरा डेब्यू नहीं है। इसके पहले मेरी फिल्म गुंडे किक बेबी वन ऑफ द लीड कैरेक्टर था विलन जमाल, जो बहुत पॉपुलर हुआ था। ये पॉजिटिव रोल और एक लीड कैरेक्टर की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। अभी मेरी 2 नवंबर को एक और फिल्म रिलीज़ हो रही है लुप्त एज ए लीड, और 16 नवंबर को ये मेरी रंगीला राजा रिलीज़ हो रही है। तो मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे
एक ही महीने के अंदर दो मेरी दो फिल्में रिलीज हो रही हैं। एक्टिंग की बात की जाए तो काफ़ी देखा गया आपको, तो इस मूवी में आपका मतलब क्या रोल रहा है? एक बड़ा स्ट्रिक्ट ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर है जो अपनी ईमानदारी से कोई समझौता नहीं करता, और उसको कुछ लालच दिया जाता है, उसको कुछ करने की कोशिश की जाती है लेकिन वो लोग कामयाब नहीं होते, वो आपको फिल्म देखने में पता लगेगा। गोविंदा सर के साथ आपको काम करके खैर मैंने जवाब दे दिया था लेकिन मैं आपने फिर से पूछा तो मैं फिर से बताता हूँ कि अमेजिंग, आई एम नॉट हैविंग एनी वर्ड्स, सुपर्ब, कमाल के एक्टर हैं, कमाल के को आर्टिस्ट हैं, वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो हंगामा मचाते हैं, और अपने सबसे बड़ी बात कि वो सामने वाले एक्टर को इतना मौका देते हैं कि उसका भी परफॉर्मेंस उनके लेवल में पहुंच जाता है। मोमेंट्स कुछ हैं जो अच्छे मोमेंट जो हमारे साथ थोड़ी सी शेयर करना चाहें जो? हाँ, मस्ती हम लोग बहुत करते थे ऑफ द कैमरा, उनसे सीखने को बहुत मिला, वो पुराने टाइम की ऐसी ऐसी बातें बताते थे धर्म जी के बारे में, शत्रु जी के बारे में, मज़ा आता था। बाकी ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जिसको कैमरे के सामने कहा जा सके। वेलकम। कहाँ जाओ? मैं बस सीख कैमरा सेंट्रल लोग सर सबसे पहले इस फिल्म के बारे में कि काफ़ी मनोरंजक फिल्म नज़र आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लंबा वक्त लगा आपको गोविंदा सर के साथ फिल्म बनाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जब जागो तब सवेरा, 25 साल के बाद मेरे और गोविंदा के बीच इस जोड़ी की जो है जब तकदीर लिखी हुई है तब आएगी, और 25 साल के बाद जो है पहले तीन फिल्में हमारी बहुत ही हिट थी और हमेशा अलग अलग किरदार जो है गोविंदा ने मेरी फिल्म में निभाया है, और इस फिल्म में भी और तीनों फिल्मों में मेरी लड़कियां जो है हीरोइंस जो है सब नई थी, और गोविंदा जब भी नई लड़की के साथ मेरी फिल्म में आता है तो हमेशा धमाल और कमाल कर देता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, प्रहलाद जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। सो आई रिमेंबर मैं जब इनसे पहली बार मिलने गई थी, ही इज़ एक्चुअली दैट वन पर्सन जिनसे मैंने स्क्रिप्ट नहीं मांगी। आई मेट हिम एंड ही सेड मैं ये फिल्म बना रहा हूँ एंड देयर इज़ गोविंदा सर, एंड ऑब्वियसली गोविंदा सर मुझे बता चुके थे फिल्म के बारे में। इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट नहीं दी, ना ही मैंने मांगी, एंड देट वॉज लाइक ऑल फेथ एंड ऑल ट्रस्ट, एंड आप रिजल्ट देख सकते हैं। जेन्युइनली होप इट वर्क्स। इसलिए जो है फेथ रखो, अब जो है अच्छी बनेगी और अच्छी रिलीज होगी, सो डोंट वरी। ना सुनो तो बहुत अच्छा है, सुनो तो कहीं भी जो ना कहीं मिसगाइड हो जाता है। आई नो। तीन फिल्में आई आपकी जी, दो गोविंदा सर के साथ में, क्या कहेंगे इसके बारे में, और भी क्या आ रही है गोविंदा सर के साथ में फिल्म में आपकी? लेट्स होप। मैं गोविंदा सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। आई मीन फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट फिल्म ऑल्सो जब मुझे पता चला कि इट्स विद गोविंदा सर, आई वाज एक्चुअली लाइक ट्राइंग टू प्ले कूल एंड ऑल कि ठीक है इट्स ऑल कूल, बट आई वाज जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड। इस फिल्म का बेस्ट पार्ट इज कि माई लुक एंड माई रोल बहुत डिफरेंट है। प्रहलाद जी ने एक सर्टन वे में कंसीव किया था, उन्होंने मुझे लुक के रेफरेंसेस दिखाए एंड ही वाज वेरी पर्टिकुलर, ही इज़ लाइक मैं चाहता हूँ ऐसा ही हो। इनफैक्ट शूट करते समय कॉस्ट्यूम्स लाइक बहुत बेसिक चीज़ है, बट प्रहलाद जी वुड बी लाइक यू नो वो दो लिटिल थिंग्स, ही बी लाइक कि नहीं नहीं ये ऐसे से ऐसा होना चाहिए, सो आई वाज लाइक ओके ये ऐसे से ऐसा ही होगा। सो दैट्स ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल आई हैव मेट एंड वर्कड विथ, क्योंकि सेट पे जब सब टायर्ड हो कैसे बोलते हैं ओह कितना लॉन्ग डे था एंड वी ऑल गो बैक चिल, ये स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते थे, सबके साथ बैठ के सिटिंग कर रहे होते थे पूरा दिन, ये सेट पे लिटरली खड़े होते थे, उनका पैर भी स्वोलन था। आई वाज लाइक हाउ यू नो, बट आई थिंक देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम इन ईच फिल्म, आई फील आई गेट बेटर। मैं मॉडल सलाह सर, बीइंग अ प्रोड्यूसर एंड यू गोविंदा सर बीइंग द एक्टर, अ बिग मोमेंट फॉर यू बीइंग पार्ट ऑफ द, यस ऑफ कोर्स दिस इवनिंग इज आल्सो वेरी स्पेशल, ये इवनिंग भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, एंड प्रहलाद जी आई मीन द न्यू कमर को एक बड़ा नाम नहीं मिलता, एंड आई फील माई सेल्फ सो लकी कि मुझे दो बड़े नाम मिल गए हैं, मिस्टर प्रहलाद नलानी एंड गोविंदा जी। एंड गोविंदा जी तो लाइक वैसे भी लेजेंड है, इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया मुझे, ही इज़ सो सिंपल एंड हम्बल पर्सन, और जब भी हम लोग साथ में सेट पे होते थे तो ही यूज़ टू बी लाइक सो कोऑपरेटिव कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, एंड प्लस प्रहलाद सर ही यूज़ टू गाइड अस कि ओके ऐसा करो वैसा करो यू नो, तो इट वाज फन मोमेंट आल्सो, एंड इट वाज वेरी फैमिली एनवायरनमेंट आई कैन से ऑन द सेट, आई डिडंट फील आई एम आउट ऑफ माय फैमिली, आई डिडंट फील आई एम आउट ऑफ माय प्लेस, यू नो इट वाज वेरी गुड एंड इट इज़ एक्साइटिंग बिकॉज दिस इज़ माय डेब्यू फिल्म,
So all the good luck to me, all the good luck to our star cast and our team. Ma'am, what about you? Being part of the film. Yeah, firstly I would like to say a big thanks for sir, because yes, sir ke saath aur Govinda sir ke saath kaam karna kisi ke liye bhi dream come true hoga. So whatever, aap is movie mein mujhe dekh rahe hain because of him, so all credit goes to him. So thank you so much. सर, इसमें गोविंदा सर के अलग अलग रूप हमें देखने के लिए मिले हैं, जो नॉर्मली पुराने पिक्चर्स में था, 90s के 2000 पिक्चर्स में था, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? भैया, रूप जब फिल्म जब बनती है तब नहीं होती है, किसी रूप में जो है फिल्में जो है पुरानी थी वही चलती थी, जो नहीं आई है उसकी बत्ती गुल हो जाती है. तो हमेशा जो है ना, जो स्क्रिप्ट होती है, जो डिमांड होती है स्क्रिप्ट की, उसी हिसाब से होती है. ये नहीं है कि डबल रोल उस ज़माने में आता था, डबल रोल की अभी जुड़वा आई तो आपको वो क्या नया लगा आपको उसमें, या नहीं नहीं आप अब अर्जुन कपूर की एक फिल्म आई उसमें क्या नया था, वो भी फिर 90 में गिना जाएगा. क्योंकि 90 से लेके मैंने गोविंदा के 86 से लेके गोविंदा के साथ मैंने जो दिखाया उसमें, जिसमें गोविंदा उस ज़माने में भी उतनी एनर्जी थी, और मेरा दिखाने का मकसद वही था कि 86 से लेके आज तक 33 साल हम लोगों के रिलेशन में हुआ है, वो एनर्जी आई एम स्ट्रीट डांसर हो या अउवा हो या लाल दुपट्टे वाली हो, तो उसके अंदर जो एनर्जी थी रंगीला राजा में, जो आप टाइटल ट्रैक आज देख रहे हो आप, उसमें एनर्जी उनसे ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा स्टेप अलग है. तो मुझे लगता है कि वर्सेटाइल जो आज के डेट में जो एक्टर्स जो है ना ये डांस करते दिखाई देते हैं आपको, बहुत सारे डांसर है जो सो कॉल्ड डांसर जो पहले नहीं थे लेकिन आज करते करते बन गए, लेकिन गोविंदा तो वर्सेटाइल है, और उन्होंने मतलब जो है जो डांस है, जो भी इसको स्टेप दे दो इन वन सेकेंड ही इज़ रेडी विद द फॉर शॉट. तो गोविंदा ने ये जो टाइटल ट्रैक जो है रंगीला राजा का किया, जो आप विटनेस हो देखते हुए, तो आप देखिए, और जनता आज का यूथ जो है 90 के गोविंदा आज गाने रेट्रो सॉन्ग जो है आप 92.7 में देखते हैं, जिसके साथ मैं पार्टनर हूँ, तो उसके अंदर सिर्फ वही गाने बजते हैं, आर डी बर्मन के वही सुनते हैं. आज के यूथ को भी पुराने गाने ही पसंद है, ओल्ड इज़ गोल्ड जब बोला जाता है, तो ओल्ड और गोल्ड में जो है गोविंदा पैदा ही उस ज़माने में हुआ था, तो आज तक स्टील जो है बन के काम कर रहा है, तो आज ये नई नई लड़कियों के साथ काम कर रहा है, वो एकदम फिट हो रही हैं. आई थिंक इनका नसीब और मेरे नसीब जो गोविंदा के साथ जुड़ा हुआ है, हमेशा नई लड़कियों के लिए वो वरदान बन के आता है, तो मुझे लगता है ये वरदान जो है फिर से एक बार ये होगा. पहले गोविंदा सर जी काफ़ी आरोप लगाया जाता था कि वो लेट आते हैं, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को तकलीफ देते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, क्या कितने चेंजेस लग रहे हैं अभी आपको? तकलीफ के तकलीफ वो बदन में कोई तकलीफ हो तो दवा खाओ तो निकल जाती है. तो गोविंदा ने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली है, जो प्रोड्यूसरों को तकलीफ देता था उस दवाइयों को जो है उसने ख़त्म कर दिया, ताकि प्रोड्यूसर को कंप्लेंट ही ना हो. वो चुस्त फुर्त और मतलब टाइम पे आने वाला, क्योंकि वो कर्म अपना कौन था कुंभकर्ण, जो कुंभकर्ण का चोला उतार के फेंक दिया, रंगीला राजा का पहना है उसने. इसके अलावा पहला जी सेंसर को लेके कुछ एक काम कीजिएगा, मैं इस वक्त जब पिक्चर सेंसर में जाए आप प्रोड्यूसर बनिएगा, जो कटवाना है कटवा के आइएगा. इसके अलावा सर मी टू कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना सपोर्ट कर रहे आप इसे? हाँ देखिए, मी टू जो है मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर आप कब्र खोदना शुरू करोगे तो आपको हर आदमी रंगीन नज़र आएगा, जो रंगीला राजा हमारा इसमें है. मी टू में नहीं फंसा लेकिन कहीं ना कहीं फंस गया हमारा, ये भी मी टू, इसमें भी मी टू है लेकिन उसके कहीं ना कहीं फंस गया, लेकिन नहीं फंसा कहीं और, फंसा परिवार में फंस गया वो. तो मी टू हर आदमी रिलेटिव है, और ये फिल्म की जो है हर किसी की बायोपिक हर आदमी आइडेंटिफाई करेगा, और हर परिवार, हर बीवी, हर बहन, हर भाई को लगेगा कि मेरा पति, मेरा भाई, मेरी बहन मेरे साथ तो वफादार है, लेकिन जो फिर भी कर्म कर रहा है अपने ऐश के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, वो शायद जो ना हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसे करने से क्या मुसीबतें आती है या आएगी, वो उसके लिए तैयार हमेशा रहना चाहिए. दिस इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज फिल्म फॉर मी टू. अच्छा, लेकिन सर इसमें काफ़ी सीनियर एक्टर्स के नाम आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मेरे जो ना, मैं परिवार में काम करता हूँ, मेरा टेक्नीशियन हो चाहे एक्टर्स हो, मेरे परिवार है,
मेरा पहला परिवार है, मेरी वाइफ नीता नियालानी, चिराग नियालानी, विक्की नियालानी, और ये दूसरा पैरल जो है मेरा परिवार है, चिराग दीप इंटरनेशनल यूनिट। जब फिल्म चलती है तो स्पॉट बॉय भी बोलता है मेरी फिल्म चली, नहीं चलती है तो वो बोलता है अरे क्या बहुत मनमानी कर रहे थे इसलिए नहीं चली। तो हर आदमी क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है, लेकिन मेरी ये परिवार है जो एक्टर मेरे साथ जो है 40 साल, मैंने 1979 में पहली फिल्म बनाई थी, आज भी वो कलाकार मेरी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, जो स्पॉट बॉय उस फिल्म में था वो भी आज इस फिल्म में काम कर रहे हैं। तो मैं भेदभाव नहीं रखता हूँ, अपने परिवार के साथ पारिवारिक पर्सन हूँ, परिवार को लेके साथ चलता हूँ। और आपने देखा है कि आप ये फिल्म देख रहे हो, अभी आप ट्रेलर देख रहे हो, आपको आज के और कल के नौजवानों, आज के नौजवानों और कल के बुढ़े टेक्नीशियनों में आपको क्या फ़र्क लगता है? थैंक यू सर। आप वो आप अपना जो है प्यार योगदान और अपने 90s को भूल के गोविंदा को 2018 का हीरो बनाइए। देखिए 14 साल पहले राज किया था और आपने बनवास दे दिया, उसको लोगों ने बनवास दिया, अब मुझे लगता है राम जो है अपनी गद्दी पे वापस आ गया और सीता जो है भले बनवास हो जाए, सती हो गई, लेकिन फिर भी राम राम ही रहा, आज तक युग युग तक राम को लोग भूले नहीं। जय सीता, जय सीता।